सोपोर हमले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया है, तो उन्होंने निंदा के साथ साथ हमले को कोई और ही रंग दे दिया है। महबूबा ने कहा कि दिल्ली की बंदूक से आतंक का मसला नहीं सुलझेगा और न ही जवानों की बंदूकों से मसला सुलझेगा। तो क्या महबूबा मुफ्ती को दहशतगर्दी और जवानों के जवाब में कोई फर्क नहीं लगता? दिल्ली की बंदूक का क्या मतलब? और ज्यादा यहाँ जो है, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे, फिर और ज्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हामो तहफ़हीम। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की बंदूक का जिक्र किया अशरफ, यहाँ पर दिल्ली की बंदूक से मतलब क्या? क्या महबूबा के पास कोई और फॉर्मूला है? टारगेट किसको कर रही थी महबूबा मुफ्ती?